हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को फिर से एक बार मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया है। तो मैं फिर से आ गई अपनी डेली ब्लॉग में। तो मेरा ब्लॉग पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों, आज है संडे, तो बच्चे आराम से सो रखे हैं और धूप आ गई उनके बिस्तर में। या देखो, धूप की रोशनी दिख रही होगी आप लोगों को। तो ये सो रखे हैं घोड़ा बेच के। देखो इसको कितनी गहरी नींद आ रखी है। और बोला कि नहीं, हमें सोने दे दो क्योंकि आज हमारी छुट्टी है। तो मैं बोली खड़े उठो, तब जाके ये तब भी नहीं उठे खड़े। तब फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, सोने देते हैं इसको। तो उनको थोड़ी देर आधा घंटे उनको हॉर दिया मैंने सोने के लिए। उसके बाद उनको उठा दिया था। तो इसमें ले जा रही हूँ मैं आज कल बिस्तरों को सुखाने के लिए, क्योंकि आजकल बारिश हुई तो बिस्तरों को मैंने बाहर नहीं ले जाए थे, गद्दे वगैरह। तो उनको ले जा रही हूँ सुखाने के लिए आज। तो थोड़ा बहुत बच्चों ने भी हेल्प की, तो इसलिए मैं संडे को ही ज़्यादातर सुखाती हूँ। थोड़ा बहुत बच्चे भी कर लेते हैं छत में कम्बल वगैरह ले जाने के लिए। तो लगे हैं हम संडे के दिन, मेरे तो काम निपटने का काम नाम ही नहीं लेता है। और यहाँ पे आ गए तक गाय माता। तो ये गाय को लोगों ने छोड़ रखी है यहाँ रोड पे। ऐसे भी लोग होते हैं, पहले जब तक दूध देते तब तक उनको अपने घर में पालते हैं, और उस जैसे उन्होंने दूध देना बंद तो वैसे यहाँ पे छोड़ देते। तो यहाँ पे मेरे बेटे इनको रोटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं पर डे, क्योंकि यहाँ पे रोटी वगैरह जो भी बचा रहता है हमारा खाना, तो हम इनको रोज पर डे खिलाते हैं सुबह शाम। तो आते रहते हैं, पर लोगों ना ऐसे भी लोग होते हैं, ये तो पालो मत, ये तो पालना है तो फिर छोड़ो मत गाय माता को। तो उनको तो बहुत ज़्यादा पाप छड़ेगा जो ऐसे ऐसे काम करते हैं बेचारे। यहाँ पे धूप में जब बारिश होती, फिर ठंड में भी बुरा हाल होता है इनका। अब आजकल धूप में देखो यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे होने लग गया हमारा नाश्ता। तो नाश्ता में देखो बच्चों के लिए आ रखे यहाँ पे पकौड़ी और समोसे, और बना कि मैंने रोटियाँ भी। तो हम तो रोटी खा रहे हैं पर बच्चे खा रहे, तो मैं तो खा रही हूँ करेले की सब्जी। सो दोस्तों, फाइनली मेरा काम अभी निपटा है 1 बजे, और पता नहीं क्यों नहीं निपट। तो आज है बच्चों की छुट्टी, इसलिए मेरा काम छुट्टी के दिन तो निपटता ही नहीं। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन मेरा काम ऐसे ही बिखरा पड़ा होता है। तो सुबह से आता है मुझे आलस छुट्टी के दिन, क्योंकि वैसे रहता है ना कि बच्चों की छुट्टी है तो करते रहूँगी आराम से, ना लेने जाने का टेंशन होता है। ऐसे में फिर ऐसे में लेट हो जाता है, तो इसी कारण मेरा काम जल्दी नहीं निपट जाता। तो 1 बजे मैं निपटी खाना खुना बना के, तो ना बना के तो अब खाते हैं खाना खाते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम। तो आज का मौसम हो रखी है बहुत ही धूप हो रही है आजकल, इतनी धूप हो रही ना, तो बाहर जाना ही कैसे। एक और यहाँ पे है बच्चों की मजा ही मजा, और ये बैठे रहते हैं संडे दिन टीवी पे। सुबह से नाश्ता किया उन्होंने, तो नाश्ता करने के बाद बैठे हैं टीवी पे, पता नहीं कौन सी फिल्म चल रही है इनकी। तो बोल रहे हैं हमारी फेवरेट फिल्म है कि फिल्म देख रहे हैं कि यहाँ पे कभी खेल खेल रहे हैं यहाँ पे। और ये तो देख बंदूक का सिपाही, और टीवी देखी जा रही है क्या, फोन गेम भी खेला जा रहा है। तो बेचारे बच्चों को करना ही है संडे एंजॉय। तो लगे
तो दोस्तों हमने ला रखी है पहाड़ी ककड़ी और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इसके साथ है घर का पिसा हुआ नमक, तो खाएंगे इसको मजे से। तो दोस्तों मैंने ककड़ी को इस तरीके से काट दिया, तो इस तरीके से काटने से ककड़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, अच्छा लगता है ऐसे में खाने में। घर की ककड़ी होती है जो पहाड़ी ककड़ी, तो उससे अच्छा स्वाद आता है ऐसे ऐसे कटिंग करने से। स्वाद तो एक ही होता है पर अच्छा लगता है ऐसे में खाने से, तो इसलिए ऐसे में काटते हैं इस वाली ककड़ी को। तो अब हम खाना खाते हैं ककड़ी के साथ। यहाँ पे देखो ये हम पिसा हुआ नमक का, तो अब खाते हैं। Thank you.